आजकल हर एक व्यक्ति चाहता है एक स्टेबल इनकम या फिर एक पैसिव इनकम कमाया जाए जिसमें कोई रिस्क ना हो, क्योंकि आज के समय ज़्यादातर जॉब और बिजनेस सिक्योर्ड नहीं है। दोस्तों, आप भी अगर घर बैठे बहुत ही एक अच्छा स्टेबल इनकम के लिए सोच रहे हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग के लिए सोच रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि ब्लॉगिंग ऑनलाइन इनकम करने का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। दोस्तों, आपका नॉलेज, थॉट्स, आइडिया, एक्सपीरियंस सब कुछ एक ब्लॉग के जरिए पूरा दुनिया के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और ब्लॉगिंग को हर एक आदमी कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक सर्विस पर्सनल हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो या फिर रिटायर्ड पर्सन हो। ब्लॉगिंग को एज ए पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और एज ए फुल टाइम भी कर सकते हैं। एक ब्लॉग एक आदमी के करियर को चेंज करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, इंडिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो हर महीने ब्लॉगिंग करके लाखों रुपया हर महीने कमा रहे हैं, जैसे अमित अग्रवाल, इनका ब्लॉग का नाम है lebnol.org। ये ब्लॉग से हर महीने $60,000 से भी ज़्यादा कमाते हैं। हर्ष अग्रवाल, इनका ब्लॉग का नाम है shoutmeloud.com, ये भी $60,000 हर महीने लगभग कमाते हैं। फैसल फारूकी, इनका ब्लॉग का नाम है mouthshut.com, ये भी लगभग $50,000 हर महीने इनका ब्लॉग से इनकम करते हैं। और तो और, ये बंदे को देखिए, ये है एडमन फ्रॉय, इन्होंने सिर्फ 2-3 साल पहले ही इनका ब्लॉग स्टार्ट किया और अभी लगभग हर महीने 1 करोड़ रुपया ये ब्लॉग से इनकम करते हैं। ऐसे हजारों एग्जांपल हैं। दोस्तों, ब्लॉग क्या होता है? आप इंटरनेट पर जब भी कोई भी डोमेन या फिर URL ओपन करते हैं, या तो वो कोई वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है, जैसे गूगल, अमेजन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये एक वेबसाइट है, या फिर कोई एक वेबसाइट खोलते हैं और वो रेगुलर बेसिस पर पोस्ट लिखते हैं, उसको ब्लॉग कहा जाता है, जैसे amitbhawani.com, besthindime.com, adamandfry.com, ये एक ब्लॉग है। तो दोस्तों, अभी आपको पता चल गया होगा ब्लॉग एक वेबसाइट ही होता है जिसके जरिए आप आपके थॉट्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टिस आदि शेयर करते हैं। दोस्तों, आपका जानकारी के लिए बता देता हूँ, गूगल पर हर सेकंड में 70,000 सर्चेस होते हैं और डेली बेसिस पर लगभग 580 करोड़ सर्चेस होते हैं, और एक सेकंड में जितना सर्चेस होता है उतना ही अगर आपके वेबसाइट पर आ जाए उसका इनकम से आप बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं 162 बिलियन में से 61% अर्थात $98 बिलियन ब्लॉगर्स ने कमाया। तो यहां से आप समझ सकते हैं ब्लॉगिंग में कितना पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये ग्राफ से आप ये बात क्लियरली समझ सकते हैं। दोस्तों, आप भी अगर एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए 3 बेसिक चीजों का जरूरत पड़ता है। पहला डोमेन, सेकंड वेब होस्टिंग, थर्ड ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एक नीच को अर्थात एक कैटेगरी को सेलेक्ट करना, अर्थात आप किस टॉपिक पर आपका ब्लॉग पर कंटेंट पब्लिश करेंगे। डोमेन का मतलब है आपका वेबसाइट का नाम, जैसे गूगल, अमेजन, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा। डोमेन नेम मिनिमम 2 पार्ट्स का होता है, पहला जो डोमेन नेम आप चूज करते हैं, कोई भी डोमेन नेम आप चूज कर सकते हैं, और सेकंड डोमेन एक्सटेंशन, जैसे .org.net.info.com.in एक्सेट्रा। फर्स्ट पार्ट के लिए आपका ब्रांड नेम या फिर आपका नाम या फिर कोई कीवर्ड आप चूज कर सकते हैं, जैसे bestmixergrinder.com, जिससे किसी को भी आइडिया आ जाएगा कि ये ब्लॉग किस चीज के बारे में है। और दूसरा जो पार्ट होता है, जैसे .org.com.in, अगर आपका टारगेटेड ऑडियंस इंडिया में ही सिर्फ है आप, तो आप .in एक्सटेंशन चूज कर सकते हैं। अगर आपका टारगेटेड ऑडियंस पूरा ग्लोबली है तो .com एक्सटेंशन आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका टारगेटेड ऑडियंस UK है तो आप .uk भी चूज कर सकते हैं। एक ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए जो सेकंड जरूरी चीज है वो है वेब होस्टिंग। आप जो भी कंप्यूटर, मोबाइल या फिर इंटरनेट पर देखते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो या फिर म्यूजिक हो या फिर इमेज हो, उसका एक फाइल होता है। ये फाइल स्टोर करने के लिए आपके PC या लैपटॉप में तो एक हार्ड डिस्क होता है। आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर के फाइल को सिर्फ आप देख सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर जो भी डाटा, लेकिन इंटरनेट पर जो भी वीडियो, इमेज, ऑडियो या फिर टेक्स्ट, उसको दुनिया में कहीं से भी देखा जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर देखने वाला हर एक फाइल एक ऐसे सर्वर में मौजूद रहता है जो इंटरनेट के थ्रू पूरा दुनिया में कनेक्टेड है, जिसको सर्वर कहा जाता है। आप अगर ब्लॉग बनाते हो तो आपके लिए भी आपका ब्लॉग के पेजेस
वीडियो ऑडियो फाइल स्टोर होने के लिए ऐसे एक सर्वर का आपको भी जरूरत है, लेकिन ये सर्वर बहुत कॉस्टली होता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंपनी होते हैं जो आपके वेबसाइट को या फिर ब्लॉग को होस्ट करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आपको मंथली या ईयरली पे करना होता है। ऐसे कंपनीज को वेब होस्टिंग कंपनी कहा जाता है। होस्टिंग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इसमें से शेयर्ड होस्टिंग सबसे सस्ती होती है और VPS और क्लाउड होस्टिंग और थोड़ा महंगा होता है और डेडिकेटेड होस्टिंग बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। लेकिन जब आप एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आपको एक शेयर्ड होस्टिंग ही काफी होता है, जिसका एक साल का प्राइस सिर्फ 3-4 हज़ार रुपया ही होता है। लेकिन जो बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं, वो डेडिकेटेड होस्टिंग भी यूज करते हैं, जिसका प्राइस ईयरली करोड़ों के ऊपर भी चला जाता है। दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपको एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करना है। इंटरनेट पर ऐसा बहुत सारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे विक्स, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ड्रूपल, जूमला एटसेट्रा। इनमें से वर्डप्रेस सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। पूरा इंटरनेट पर मोर देन 35% वेबसाइट्स सिर्फ वर्डप्रेस से बनी है और 90% से भी ज्यादा ब्लॉगर वर्डप्रेस को ही यूज करते हैं। एक ब्लॉग बनाने के लिए वर्डप्रेस सबसे सिंपल और सबसे अच्छा एक तरीका है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, अर्थात वर्डप्रेस को कोई भी फ्री में भी यूज कर सकते हैं और इसको एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में वर्डप्रेस उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन बाद में लगातार वर्डप्रेस के डेवलपर ने इसमें बहुत मेहनत किया। वर्डप्रेस के कंटिन्यू डेवलप होते होते और हजारों थीम्स और प्लगइन्स के डेवलपर्स ने वर्डप्रेस को एक ऐसा मुकाम पर पहुंचाया, जिसके चलते अभी दुनिया में सबसे अच्छा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस को माना जाता है। वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग बनाने के लिए आपको कोई भी कोडिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। ब्लॉगर वगैरह में आप बनाते हैं तो आपको बेसिक कोडिंग का तो जरूरत पड़ता ही है। होस्टिंग कंपनी तो वैसे बहुत है, लेकिन मैं जो होस्टिंग कंपनी यूज करता हूँ वह है ब्लूहोस्ट। ब्लूहोस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, खुद वर्डप्रेस ही ब्लूहोस्ट को रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, ब्लूहोस्ट कंपनी सबसे बेहतर है, बात ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे होस्टिंग कंपनी है जो बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ब्लूहोस्ट से एक डोमेन और होस्टिंग कैसे खरीदते हैं। जैसे ही आप नीचे दिया हुआ लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये है bluehost.com का ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आप ये चार तरह का प्लान देख सकते हैं। अगर आपको प्लान नहीं देखा तो ऊपर होस्टिंग में आप क्लिक करके शेयर्ड होस्टिंग पर क्लिक करेंगे तो ये चार तरह का प्लान आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप चार तरह के प्लान देख सकते हैं। पहला है बेसिक, नेक्स्ट है प्लस, थर्ड है चॉइस प्लस और फोर्थ है प्रो प्लान। दोस्तों, इसमें जितना डॉलर आपको दिख रहा है, आप घबराइए मत, आपको 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा। 50% का कूपन अपने आप पॉप अप होके आएगा और 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। bluehost.com से होस्टिंग खरीद के मैं आपको ये लाइव दिखाऊंगा। दोस्तों, ये चार प्लान में से मैं रेकमेंड करूंगा कि प्लस वाला प्लान खरीदे, क्योंकि जो बेसिक प्लान होता है उसमें सिर्फ आप एक ही वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं और इसका स्टोरेज भी लिमिटेड है, ओनली 50 GB SSD स्टोरेज होता है। क्योंकि ज्यादातर ब्लॉगर एक बार होस्टिंग खरीदने के बाद जब उनका अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगता है, बेसिक वाला प्लान ट्रैफिक हैंडल नहीं करते हैं और फिर प्लस वाला में अपग्रेड करना पड़ता है। लेकिन प्लस वाला अगर आप खरीदेंगे, आप अनलिमिटेड वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं और साथ में अनलिमिटेड स्टोरेज भी है और एक फ्री डोमेन भी है। ये चारों प्लान में से आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगा, चारों में एक डोमेन आपको फ्री में मिल रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लस वाला प्लान के साथ जाइए अगर आपको क्वालिटी वाला होस्टिंग सर्विस चाहिए। दोस्तों, ब्लूहोस्ट का प्लान थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इनका सर्विस भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ प्लस वाला प्लान। दोस्तों, यहाँ पे आपको और एक चीज बता देता हूँ, वर्डप्रेस खुद ही ब्लूहोस्ट को रिकमेंड करते हैं। होस्टिंग और डोमेन दोनों एक साथ मिल जाता है और वन क्लिक में ही ये आपका वेबसाइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए मैं प्लस वाला प्लान को सिलेक्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया, दूसरा विंडो आ गया और यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं क्रिएट ए न्यू डोमेन, या फिर अगर आपके पास पहले से ही कोई डोमेन है तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो मेरा पास कोई डोमेन नहीं है और मैं एक डोमेन को सिलेक्ट करके रखा हूँ, तो चलिए उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं। उसका नाम है besthindi.com। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं besthindi.com इज अवेलेबल और उसके बाद मुझे अकाउंट खोलने के लिए बोल रहे हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म। चलिए मैं अभी भर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना अकाउंट का इन्फॉर्मेशन भर दिया और अभी पैकेज इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर देता हूँ।
आप देख सकते हैं, जैसे मैं 36 मंथ के लिए सेलेक्ट करता हूँ, ये $5.95 पर मंथ दिखा रहा है। और जैसे मैं 12 महीने के लिए सेलेक्ट करता हूँ तो $7.95 पर मंथ ये दिखा रहा है। और जैसे मैं 24 मंथ्स के लिए सेलेक्ट करता हूँ, ये $6.95 पर मंथ दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये फाइनल प्राइस नहीं है, अभी आप देखेंगे 50% डिस्काउंट वाला पॉपअप अभी अपीयर होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो डिस्काउंट वाला पॉपअप अभी आ गया है, यहाँ पे लिखा है नॉर्मली $11.99 पर मंथ, नाउ $4.95 पर मंथ। क्लेम शेविंग पर मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली डिस्काउंट वाला कूपन अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों, मुझे एक्चुअली 36 मंथ के लिए ही लेना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत सारे चीज में इसमें टिक लगा हुआ है, चलिए मुझे जो नहीं चाहिए उस टिक को हटा देता हूँ। फाइनली मेरा प्राइस हो गया $214.08 और मेरा शेविंग हो गया $253.44, अर्थात 58% ऑफ। चलिए अभी पेमेंट इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ, मैं कार्ड नंबर एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है और ये अभी सक्सेस हो गया। तो आप मेरा ये रिसिप्ट देख पा रहे हैं, इसमें टोटल $252.62 मैंने अभी पे किया है, इसमें GST 18% लग गया और टोटल हो गया $252.62, इतना अभी मैंने पे किया। तो अभी ब्लूहोस्ट में लॉगिन होने के लिए मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेरा डोमेन नेम मैंने दे दिया besthindi.com और एक पासवर्ड मैंने अभी चूज कर लिया। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये पासवर्ड आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पासवर्ड आपको बाद में बहुत काम आएगा। तो ये भी अभी कंप्लीट हो गया, देखिए अभी दिखा रहा है योर अकाउंट इज रेडी टू गो, नाउ यू कैन लॉग इन। चलिए अभी लॉग इन करते हैं, डोमेन नेम और पासवर्ड देके मैं लॉग इन हो जाता हूँ। तो दोस्तों, अभी अभी मैंने अकाउंट बनाया, इसीलिए ये लॉग इन होने में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, अभी मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, ये व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग योर साइट हाउ मच हेल्प डू यू वांट। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ए लिटिल हेल्प स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस वाला में। तो अभी मुझे पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ साइट आर यू क्रिएटिंग, तो मैं बीज वाला में क्लिक कर देता हूँ। और अभी मुझे पूछ रहा है आर यू कंफर्टेबल विथ क्रिएटिंग वेबसाइट, ये मैं स्किप कर देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है लिटिल से लेके वेरी। तो ये पेज अभी खुल गया, देखिए यहाँ पे बोल रहा है लेट्स क्रिएट वेबसाइट। तो दोस्तों, फाइनली यस, दो चार और स्टेप को मैंने स्किप कर दिया और चलिए अभी यहाँ पे फाइनल स्टेप पर आ गया। अभी देखिए ये दिखा रहा है मैंने साइट एंड साइन इन टू योर साइट। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे लॉगिन पेज और मैनेज साइट, दो पेज आ गया यहाँ पर। ये इसीलिए हुआ है कि ब्लूहोस्ट वर्डप्रेस खुद ही ब्लूहोस्ट को रिकमेंड करते हैं, इसीलिए ब्लूहोस्ट को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट आ गया और आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे और आपका वेबसाइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए लोडिंग वर्डप्रेस। तो चलिए अभी लॉन्च साइट पर क्लिक करते हैं। तो चलिए वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर अभी चले जाते हैं। आपके वेबसाइट के डैशबोर्ड पर जाने के लिए आप कोई सारे तरीके से जा सकते हैं। सिंपल गूगल में wordpress/admin करके आप सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा और आप यहां लॉगिन हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी देखिए मेरा वेबसाइट अभी रेडी हो गया। यहां से मैं अभी और कुछ काम करना है, एक अच्छे से थीम सेलेक्ट करना है और कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना है और फिर देन रेडी टू गो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो आपको अभी क्लियरली पता चल गया होगा कि ब्लूहोस्ट से एक डोमेन और होस्टिंग कैसे खरीदते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।